वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और फिट होंगे। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने गुडविल के ऑलमोस्ट सारे केसेस कवर कर लिए थे, एक को छोड़ के, वो है हिडन गुडविल, जो आज की क्लास में हम कवर करेंगे। मैंने पहले भी बता दिया था हिडन गुडविल क्या होती है, आज फिर से इसको करते हैं, पर शुरू करेंगे कैसे, एक क्वेश्चन को लेकर शुरू करते, ठीक है? चलिए, ये है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 35। कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल 60,000 एंड 1,20,000। कैपिटल दे रखी है 60K, 120K, ठीक है जी। आगे कह रहा है दे डिसाइड टू एडमिट सी, सी न्यू पार्टनर है हमारा, फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। सी जो लेके आ रहा है दैट इज 70,000 रुपीज है, जिसमें गुडविल इंक्लूड है। अब हिडन गुडविल निकालेंगे। चलिए देखिए कैसे निकालते हैं हिडन गुडविल, कैसे निकालते हैं। जब भी नया पार्टनर आता है उससे जो हम पैसे लेते हैं उसको बेस लेना है, यानी कि उसकी कैपिटल को बेस लेना है। अब सी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर आप लोग सी हैं तो 70,000 आपसे कोई मांग रहा है कितने शेयर के लिए, तो इसके हिसाब से टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या होगी, 70,000 × 2,80,000। बिल्कुल ठीक, रिवर्स कर देते हैं, 2,80,000 रुपीज आ गया कैपिटल ऑफ द फर्म। पर एक्चुअल कैपिटल है कितनी, ए की और बी की जोड़ लेते हैं, 60,000, 1,20,000 और सी की भी जोड़ लेते हैं, तीनों की जोड़नी इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, याद रखिए, ठीक है? कितनी हो गई, तो ये हो गई 2,50,000, 2,50,000। तो गुडविल क्या आ जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 30। ये गुडविल किसकी आई है, सी की या फर्म की, फर्म की। ये हमेशा फर्म की आती है, याद आया, सिखाया था, ठीक है? तो ये किसकी गुडविल आ गई, फर्म की। तो सी शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा, 4, 7, 8, 9, 10। बिल्कुल, अब क्या सी पैसे लेके आया है प्रीमियम के, नहीं, इस केस में लाता भी नहीं, क्यों नहीं लाता, क्योंकि हमने गुडविल जो है पहले ही कैपिटल में इंक्लूड करके उससे ज्यादा मांगी, तो यानी कि उसका जो प्रीमियम का शेयर है वो कहां है, वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है। अब ये मत कहना कि इसमें सी जो है क्या गुडविल नहीं ला रहा तो करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे, करंट अकाउंट डेबिट कर सकते हैं करने को, पर हम नहीं करेंगे, ठीक है? एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट 70,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है? कुछ टीचर्स करवा देते हैं यहाँ पे करंट अकाउंट डेबिट प्रीमियम के लिए, पर नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हमने उसकी कैपिटल को ही बेस लिया है गुडविल निकालने के लिए, इसका मतलब गुडविल इसमें इंक्लूड है, इंक्लूड है तो इस केस में किसको डेबिट करेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। कितनी, कितना 7,500 और इनकी रेशो क्या बनेगी, वो दे ही नहीं रखी है ना, नहीं दे रखी तो क्या करेंगे बेटा, कैपिटल रेशो है, कुछ लिखा ही नहीं है तो क्या रेशो होती है, अगर कुछ नहीं लिखा तो रेशो कितनी हो जाएगी, इक्वल इक्वल हो जाएगी, तो हम इसको भी क्या करेंगे, इक्वल इक्वल मान देंगे, ठीक है? होल्ड रेशियो इक्वल आएगी तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी इक्वल आएगी, क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा। बात समझ में आ गई? वैसे इस क्वेश्चन में उसने सिर्फ गुडविल निकालने के लिए बोला था, कुछ नहीं बोला, ठीक है? लेकिन हमने ये भी करा, तो आप कर लो इसको कॉपी, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इंपॉर्टेंट नोट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कितने रुपए का, 2,000 रुपए का, क्या है, व्हाइल कैलकुलेटिंग गुडविल, जब हम यहां पे गुडविल निकालते हैं
कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इन द न्यू फर्म इज टू बी कंसिडर. बात समझ में आई? ये कौन सी कैपिटल है? ये ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड फर्म में कैपिटल. हमने कौन सी कैपिटल लेनी है? न्यू फर्म में. इसका क्या मतलब हुआ? अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस, जर्नल रिजर्व या रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस दे रखा है तो वो भी यहां पे एड और लेस हो जाएगा. बात समझ में आई? ठीक है, लिखेंगे. व्हाइल कैलकुलेटिंग एक्चुअल कैपिटल, कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इन द न्यू फर्म इज टू बी कंसिडर्ड. दैट मीन्स इफ देयर इज एनी प्रॉफिट, जनरल रिजर्व और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, देन दीज आर एडिड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल. ओके, एंड एनी लॉसेस इज टू बी सब्ट्रैक्टेड. प्लीज पूरा कॉपी कर ले अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ओके, सौ रुपए. हाँ जी बच्चों, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था जिसमें आप सबने अमाउंट तो सही कैलकुलेट कराया है, पर मैं आपको बता दूं एंट्री सबकी गलत है. मैंने आप लोगों को बहुत बार बोला है और आपको भी समझा रहा हूं, क्वेश्चन को जितना धीरे और ध्यान से पढ़ोगे उतना ही एग्जैक्टली सही होगा. पहली लाइन पढ़ी जाए क्वेश्चन की, क्या लिखा है? फिक्स कैपिटल. अगर फिक्स कैपिटल होती है तो एंट्री कैसे होती है? करंट अकाउंट. और किसी ने भी करंट अकाउंट से एंट्री नहीं करी, ये होता है बस लगे जाओ फटाफट दे धड़ाधड़ एंट्री एंट्री एंट्री, और फिर ऊपर से मुझसे कह रहे हैं सारे बच्चे कि हमारी एंट्रीज ठीक हैं, हमने आंसर भी मिला लिया. इसका मतलब तुमने आंसर भी ध्यान से नहीं पढ़ा कि वहां पे करंट की जगह है तो कैपिटल की जगह करंट लिखा हुआ है. ध्यान किस पे जाता है? सिर्फ अमाउंट मिलाने में. अमाउंट मिलाओ, अमाउंट मिलाओ, अमाउंट ठीक है. तो बच्चों ये गलती नहीं करनी है. अगर क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल लिखा हुआ है तो एंट्रीज किससे पास होंगी? करंट अकाउंट से पास होगी. लेकिन दूसरी एंट्री, पहली एंट्री कैपिटल अकाउंट से ही पास होगी. कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, सॉरी चारूस कैपिटल अकाउंट, देन चारूस कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट डेबिट टू अनिल करंट अकाउंट एंड सुनील करंट अकाउंट. बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये तुम सबकी गलती है, यही तुम्हें सिखाना चाहता था, इसलिए क्वेश्चन मैंने तुमसे करवाया है. बात समझ में आ गई? मिलते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ, कहीं मत जाइएगा. तो आज की सीख क्या है? सीख ये है कि अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड वर्ड आया हुआ है तो एंट्रीज करंट अकाउंट से पास होगी. ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 38, सेम पेज सेम बुक सेम मैं और सेम आप. क्या कह रहा है क्वेश्चन? अलग है. कह रहा है एक्स और वाई दो पार्टनर्स है, 50-50,000 इन दोनों की कैपिटल है. जेड नया पार्टनर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए और 80,000 रुपीस कैपिटल लेके आ रहा है और हिडन गुडविल निकालनी है. एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे रखा है, क्या? कि प्रॉफिट एंड लॉस शो कर रहा है 40,000 का क्रेडिट बैलेंस. तो पहले बताओ ये प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है. अगर क्रेडिट बैलेंस लिखा है तो क्या होता है? profit. और अगर डेबिट बैलेंस लिखा है तो क्या होता है? loss. हमेशा याद रखना, राइट? अब मैंने अभी एक आपको लंबा सा नोट लिखवाया था थोड़ी देर पहले, उसको यूज करने का समय आ गया. चलिए सबसे पहले क्या निकालेंगे? कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ जेड्स कैपिटल? 80,000 इंटू 4/1 3,20,000. अब एक्चुअल कैपिटल है कितनी? क्या लेंगे? 50-50 इन दोनों की, 50 प्लस 50 प्लस ये 40,000 प्रॉफिट भी इन्हीं का है. मैंने क्या बताया था?
कि ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल लेते हैं न्यू फर्म में, न्यू फर्म का मतलब एडमिशन होने के बाद, और जब भी एडमिशन होता है तो हम क्या करते हैं, सारे प्रॉफिट्स को जनरल रिसोर्स को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो इनकी कैपिटल में एड हो जाएंगे, एड हो जाएंगे तो इनकी कैपिटल बढ़ गई 40,000। अब जेड की भी एड कर लो, जेड की 80,000, इनका टोटल कर लो सबका कितना आ गया, 140 और 80, 220। अब निकाल लो गुडविल, गुडविल कितनी आएगी, 320 माइनस 220 यानी कि 190। ये आ गई हमारी गुडविल। क्वेश्चन हो गया बिल्कुल आसान, ठीक है। Z का शेयर कितना आ जाएगा, ट्वेंटी बस। एंट्रीज आपको आती है, पहली एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। अब करंट नहीं आएगा भाई, कैपिटल बोल रहा है। तो पहली एंट्री आ जाएगी कैश अकाउंट डेबिट कितने में, 80,000 टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, 80,000 देन जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट X कैपिटल अकाउंट टू Y कैपिटल अकाउंट। कितनी गुडविल आई है उसकी, 25,000। रेशो कोई गिवन नहीं है तो हम क्या कर देंगे, हाफ ऑफ कर देंगे। ये हाफ ऑफ ओल्ड रेशो है कि सैक्रिफाइसिंग रेशो है, ये सैक्रिफाइसिंग है। अगर रेशो नहीं दी तो ओल्ड रेशो क्या आएगी, इक्वल 1:1। जब आप सैक्रिफाइसिंग निकालोगे तो वो भी क्या आएगी, 1:1 ही आएगी। याद रखना ये ओल्ड नहीं है 1:1, कौन सी है, सैक्रिफाइसिंग रेशो है। चेक कर लेना, एग्जाम में निकाल के दिखानी पड़ेगी। बात समझ में आ गई, ऐसा नहीं कि एग्जाम में लिख के आ लोगे नहीं रखी तो 1:1 आ जाएगी। आपको क्या करना है, ये कैलकुलेट करके दिखानी पड़ेगी। तो इसी के साथ हमारा खत्म होता है हिडन गुडविल, और इसके साथ खत्म हो गई हमारी गुडविल की पूरी क्लास, गुडविल पूरी खत्म, ठीक है। अब रह गए हैं हमारे कुछ छोटे छोटे से टॉपिक, जैसे कि कुछ भी नहीं बचा। चलिए, मेरे को लगा था वो जनरल रिजर्व्स या इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिशनर के क्वेश्चन होंगे, पहले होते थे अब है नहीं। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और उसके लिए बनाते हैं एक नई क्लास। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।